सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रॉप चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि रोजाना एम्पलीफायर से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो कैसे हैं सब? तो आप ये जो एम्पलीफायर देख रहे हैं, ये एक ऑर्डर की एम्पलीफायर है जो कि हमने बनाए हैं। तो चलिए इसके अंदर क्या कुछ है, इसकी खासियत क्या है इस एम्पलीफायर के अंदर, वो आपको दिखा देता हूँ। तो सामने आप देख लीजिए, ये है मास्टर वॉल्यूम और ये है पावर बटन। पावर बटन, मास्टर वॉल्यूम, बैलेंस, ये बैलेंस की जगह पर हम माइक्रोफोन लगा रखा है। ये आप माइक्रोफोन देख सकते हैं, माइक्रोफोन वन, यहाँ पर माइक्रोफोन टू था, पर माइक्रोफोन टू की हम यूज़ नहीं किए हैं, यहाँ पर ऑडियो की लाइन लगा रखे हैं। तो ये कनेक्टर, ये जो स्विच दिख रहे हैं आपको लाउडनेस की, ये स्विच को हम दबा देते हैं तो फिर ये काम करेगा आउटपुट में, मतलब ऑडियो अक्स इनपुट करके इसे चला सकते हैं आप। अगर अब यहाँ से स्विच ऑफ़ कर देंगे तो क्या होगा, स्विच ऑफ करने से यूएसबी प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों जो स्विच है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम छोड़ दिए हैं। नॉर्मली एम्पलीफायर के अंदर स्विच जो है जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं अब उतना ही कम करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि एम्पलीफायर में डिस्टर्ब कम आएगा, ठीक है, हमिंग प्रॉब्लम वगैरह वगैरह जो नॉइज़ आते हैं, आउट नॉइज़, वो नॉइज़ एम्पलीफायर में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा ट्रबल और ये रहा बेस, ठीक है। और पीछे देख लेते हैं हम, पीछे जो है यहाँ पर हम फ्यूज़ लगा रखे हैं, ये देखिए फ्यूज़। और ये केबल आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल दे रखे हैं, 2.5 mm की केबल हम दे रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये कनेक्टर कुछ नया दिख रहा है, ये भी अच्छी क्वालिटी की दिया रखा है, हाई वोल्टेज इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं, फिर भी ये जलेगा गलेगा नहीं, ठीक है, मेल्ट नहीं हो जाएगा। सो इसके अंदर दो कूलर यूज़ किया गया है, ये एक नंबर, ये दो नंबर, और ये, तो ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से ऑक्स आउटपुट, ऑक्स इनपुट के लिए है, और ये दोनों एम्पलीफायर जो भी ऑडियो ले रहा है, एम्पलीफायर की जो ड्राइवर बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड के अंदर जो भी ऑडियो जा रहा है वही सेम ऑडियो आप यहाँ से आउटपुट के लिए ले सकते हैं, किसी दूसरे एम्पलीफायर से कनेक्टेड करने के लिए ये दोनों दिया गया है, ठीक है। ये फ़ैन यहाँ से हवा खींचेगा और पूरा एम्पलीफायर की मॉड्यूल को ठंडा रखेगा और यहाँ से निकल जाएगा हवा, वो गर्म जो हवा है यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए एम्पलीफायर को खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। दो स्क्रू लगा रखे थे इसके अंदर हम, तो दो स्क्रू को खोल लिए हैं, अब इसकी ढक्कन को बाहर निकाल लेंगे। ये रख लिया, तो अब देख सकते हैं पूरा एक फ्रेश एंड क्लीन एम्पलीफायर। ये देखिए, ये पूरा जो स्विच सेट है ये छोड़ दिया गया है, इसे यूज़ किया गया है, और ये वाला 1200 वाट का ड्राइवर बोर्ड हम इसके अंदर इनबिल्ट कर दिए हैं। तो ये रहा ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है हैवी क्वालिटी का, 8 एम्पियर से 10 एम्पियर तक काम करता है, ठीक है। और ये रहा 10,000 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट की कैपेसिटर दो लगा रखे हैं, और ये रहा डायोड, और ये रहा स्पीकर प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये रहा सबसे ख़ास बात जो हम वीडियो में पीडीएफ में दिखाए थे, बास्टरबल बोर्ड है, बास्टरबल बोर्ड, ये वही बास्टरबल बोर्ड है जो उल्टा तरफ से लगाया गया है, क्योंकि ये प्रिंट जो है उल्टा आया था, तो एस एम बी टाइप से इसे बनाया गया है, तो ये काफ़ी शानदार दिख रहा है यार, ऐसे नहीं कि उल्टा है इसलिए बुरा दिख रहा है, एकदम भी ऐसा बात नहीं है। आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ,
ये देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, कोई हार्मिंग नहीं है इसके अंदर। 15.0.15 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। और ये रहा हमारा ब्लूटूथ USB मॉड्यूल और ये रहा माइक्रोफोन की बोर्ड जो कि हम फेविक्विक से चिपक दिए हैं क्योंकि ये कभी ख़राब भी नहीं होने वाला है, तो चिपक देने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और ये रहा देख सकते हैं आप माइक की एक कनेक्टर, आप पूरा एम्पलीफायर को देख सकते हैं, पूरा एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, मतलब कोई झंझट नहीं है बिल्कुल। अगर कोई डिस्टर्ब इसके अंदर आ जाए तो रिपेयर करने में भी बहुत ही आसान है ये एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर हम इसी टाइप से बनाते हैं तो देख लीजिए अब। और अगर इसके अंदर दो हैंडल लगाया जा सकता है, मैंने पिछले एक एम्पलीफायर की वीडियो में अब दिखाया था आपको कि यहाँ पर हैंडल लगाया हुआ था, तो वो हैंडल मार्केट में फ़िलहाल अनअवेलेबल है, इसीलिए इसको हम इस एम्पलीफायर में इनबिल्ट नहीं कर पाए। तो वो लगाने के बाद इसकी लुक बहुत ही शानदार दिखता है। टेस्ट कर लेते हैं ये एम्पलीफायर कैसा परफॉर्म करता है। एकदम सा मतलब सॉफ्टली ये ओपन होता है। ठीक है, स्पीकर प्रोटेक्शन लगा हुआ है इसीलिए पूरा सॉफ्टली ये ओपन होता है, ये एम्पलीफायर जो है सॉफ्टली एकदम प्ले होता है। तो हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं पहले, ये हमारा ब्लूटूथ में ही है, तो चलिए इसको हम ब्लूटूथ प्ले करते हैं। प्ले कर दिया है तो वैसे नहीं चल रहा है, इसे ऑन करना पड़ेगा। ये देखो ये ऑन हो गया और ये देखो चल रहा है। ज़्यादा साउंड नहीं दे पा रहे हैं, ये देखो ये बेस हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ही रखना चाहिए हर समय। जब जिस टाइम आपको चलाओगे एम्पलीफायर को, बेस को और ट्रबल को फुल नहीं करना है। ये रख दिया, इसे यहाँ पर रखते हैं, देखा आपने, इसे अगर हम ऐसे करेंगे तो ये माइक में काम करने वाले हैं। ये देखो इससे ज़्यादा साउंड बढ़ा नहीं पा रहे हैं हम, देखा आपने, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है इसके अंदर। ज़्यादा साउंड दे नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है। ट्रैवल को कम कर देते हैं, बेस दिखाते हैं आपको, आपने देखा है। और ये मोनो एम्पलीफायर है, दो 15 इंच आराम से चलाने वाला एम्पलीफायर ये है। 400 वाट 800 वाट 800 वाट से 1000 वाट इसके ऊपर आप लोड दे सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा, 1000 वाट इसके ऊपर आप बिल्कुल लोड दे सकते हैं। चलिए हम इसकी अंदर माइक्रोफोन लगा कर कनेक्ट करके देखते हैं। ये हम माइक्रोफोन लगा दिया है और स्विच को पुश कर लेते हैं और इसे अप कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुन रहा है आवाज़ आपको, चेक ट्रबल को बढ़ा लेते हैं, चेक चेक हेलो चेक। आप सुन सकते हैं कि ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं अभी ये इस माइक्रोफोन से आ रहा है, इस एम्पलीफायर के थ्रू। देखिए पूरा फुल क्लीन एंड शार्प आवाज़ है इसकी, कोई दिक्कत वाली बात इस एम्पलीफायर के अंदर नहीं है। आप विदाउट ईको की ईको ही सिर्फ नहीं है इस एम्पलीफायर के अंदर, घर के अंदर है तो साउंड ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। आप
सबवूफर को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और शानदार इसकी साउंड क्वालिटी भी है। तो बेस को थोड़ा बढ़ा कर देते हैं माइक्रोफोन में। हमिंग प्रॉब्लम भी इसके अंदर नहीं है। हेलो 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 आप सुन सकते हैं, ये आवाज़ भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात इस एम्पलीफायर के अंदर आपको नहीं दिखने वाला। और साउंड भी सही हाफ हाफ दे रखे हैं, देखिए। हेलो हेलो साउंड और भी बढ़ेगा। शार्पनेस तो सो गाइस, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे होम। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ही जल्द और भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दें।